अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसको हमने अभी तक हाफ़ DAP और 3 यूरिया और 2 दफ़ा इसमें जहर डाला है और 1 स्प्रे इसको अभी तक हमने किया है इज़ाबियान और स्कोर की। अभी पोटाश की स्प्रे बाकी है, बाकी इसका हम अभी ख्याल रख रहे हैं, पानी भी इसको दे रहे हैं। माशाल्लाह फसल बहुत ही अच्छी जा रही है, देखें इसकी लहलहाती फसल है और माशाल्लाह कोई बीमारी इसमें अभी तक नहीं है इंशाल्लाह। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, देख रहे हैं आप, ये है जी 1509 है लगी हुई माशाल्लाह। इंशाल्लाह कटाई के बाद आपको बताएंगे इसका कितना झाड़ मुमकिन है। मुझे लगता है इंशाल्लाह इस दफ़ा इस फसल का 70 मन के करीब, इंशाल्लाह 70-65 मन के करीब औसत आने के चांस हैं। तो ये आपको जिस दिन कटाई होगी उस दिन भी इंशाल्लाह हम बताएंगे कि ये कितने मन इसकी एवरेज आ सकती है, लेकिन फसल को देखते हुए लग रहा है कि इंशाल्लाह 65 से 70 मन इसका यानी कि एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह। तो हमें दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। तो जिस दिन कटाई होगी हम ज़रूर आपको बताएंगे भाई क्या इससे मिला है हमें और कितना नफ़ा इससे मुमकिन हुआ हमें और कितनी मेहनत इसमें हुई है, इंशाल्लाह हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। लेकिन दूसरा इसका कितना यानी कि हमें दोस्तों आप भी 1509 अच्छी फसल ले सकते हैं, लेकिन एक तो इसकी पनीरी 25 दिन के अंदर आपने शिफ्ट करनी है, 25 से 30 दिन के अंदर, बड़ी ज़्यादा टाइम की नहीं होनी चाहिए। दूसरी इसको यानी कि एक तो शुरू में जो आपकी खादें हैं उनको आप 25 दिन या 30 दिन के अंदर मुकम्मल करें, उसमें DAP और ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन यानी कि यूरिया आप जितनी ज़्यादा अच्छी दे सकते हैं, और इसमें यानी कि जो सल्फ़र है वो यूज़ करें और जिंक जो है वो आप 2 बैग यूज़ करें इसमें, और ये चीज़ें आप करें और 35 दिन के अंदर इसकी खाद प्लान जो है वो आपने मुकम्मल कर लेना है, यानी कि कंटिन्यू इस पर यानी कि आपने नाइट्रोजन अप्लाई करना है। तो ये आपकी 1509 जो फसल है यानी कि 70-80-90 मन तक भी आ सकती है, लेकिन आम जो है 65 से 80% तो ईज़िली आप इसमें यानी कि ले सकते हैं फसल को। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जिस दिन कटाई होगी इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो में मैं इसकी वीडियो लगाऊंगा, आपको बताएंगे उसमें कि इसकी कितनी एवरेज आई है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।